सेक्शन थ्री इसका आ जाता है सेक्शन थ्री किसको डील करता है सेक्शन थ्री डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी एजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है और इस सेक्शन थ्री का जो सब सेक्शन वन है क्या क्लॉज वन है ये क्या कहती है वो ये बताती है कि एफआईए को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया और एफआईए का, का काम क्या है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये एफआईए कॉन्स्टिट्यूट करती है याद रखें फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है क्यों करती है पर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस جرائم की इंक्वायरी के लिए और उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए कौन से जरायम

इसकी क्लॉज टू हमें ये कहती है कि जो एफ आई ए के डायरेक्टर जनरल होंगे डी जी एफ आई ए होंगे और उसके जितने भी मेम्बर्स होंगे एफ आई ए के उन तमाम को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यानी क्लॉज टू डील करती है अपॉइंटमेंट ऑफ डी जी एफ आई एंड मेम्बर के मेम्बर और डी जी एफ आई ए की अपॉइंटमेंट से मुलक जो क्लॉज है वो सेक्शन थ्री की टू क्लॉज है तो दो ही क्लाजेज हैं सेक्शन थ्री की पहली एफ आई ए क्या है किसने बनाई दूसरी डी और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है तो दो क्लॉजेस होगी कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन फोर सुप्रिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी यानी एजेंसी को चलाएगा कौन एडमिनिस्टर कौन करेगा और एजेंसी की निगरानी कौन करेगा का काम कौन सर अंजाम देगा दो चीजों को ये डील करता है सेक्शन इस सेक्शन की पहली क्लॉज सुप्रिंटेंडेंट से रिलेटेड है और दूसरी क्लॉज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है सुपरिनटेंडेंट जो है ये करेगी फेडरल गवर्नमेंट यानी ओवरऑल जो निगरानी है वो एफ की करेगी फेडरल गई के अंदर पूरा सिस्टम रन करना है वो रन करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ एफ आई ए जिसकी जो पावर्स हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या आई जी पुलिस के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू एटीन सिक्सटी वन एक्ट पुलिस का जो अठारह वाला एक्ट है उसके मुताबिक जितनी पावर्स आईजी की उतनी पावर्स ही डीजीएफआईए की होंगी और डीजीएफआईए क्या करता है वो एफआईए के पूरे निजाम को संभालता है तो सेक्शन फोर क्या करता है सेक्शन फोर के दो काम है कि इस एक्ट की इस पूरी एजेंसी को चलाना किसने है तो वो डीजी ने चलाना है और डीजी की पावर्स क्या है आई के बराबर है और पूरे इस सेक्शन की निगरानी कौन करेगा तो पूरे सेक्शन की या पूरे जो एफआईए एजेंसी है इसकी जो निगरानी है वो कौन करेगा वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो सेक्शन फोर के अंदर ये दो तो चीजें आती हैं अब सेक्शन 5 आ जाता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंबर्स ऑफ एजेंसी हैं यानी एफआईए के जो मेंबर्स हैं उनकी जो पावर्स है उससे रिलेटेड ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 5 इसलिए सेक्शन 5 को कहते हैं पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की पावर्स को ये डील करेगा ठीक है सबसे पहले तो इसकी जो क्लॉज 1 है इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी ये जो एफ है और उसके जो मेंबर्स हैं, ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये अपनी जो पावर्स एक्सरसाइज करेंगे उस पावर्स में क्या चीजें शामिल हैं? ये सर्च कर सकते हैं किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को सीजोर कर सकते हैं यानी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकते हैं और उनकी जितनी भी प्रिविलेजेस और लाइबिलिटीज होंगी वो प्रोविंशियल पुलिस के ऑफिसर्स के मुताबिक होंगी यानी सेक्शन फाइव का जो पहला सब सेक्शन है वो ये बताता है कि जो मेंबर्स ऑफ एफ आई ए है वो सर्च कर सकते हैं पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी सीजोर कर सकते हैं और उन्हें प्रोविंशियल पुलिस के बराबर जो है वो प्रिविलेज मिलेंगी सेक्शन टू डील करता है सब इंस्पेक्टर की पावर्स को यानी का जो सब इंस्पेक्टर होता है वो क्या कर एफ आई ए का जो सब इंस्पेक्टर है ये एस एच ओ के बराबर पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है ऑफिसर इन इंचार्ज को एस एच ओ कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर तो जो एफ आई ए का सब इंस्पेक्टर होगा ये ऑफिसर इंचार्ज की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेगा उस एरिया में जिसमें वो उस वक्त है मिसाल के तौर पर सब इंस्पेक्टर को भेजा गया एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक्स एरिया में तो उस एक्स एरिया के अंदर जो एक पुलिस स्टेशन की एसएचओ की पावर होगी उतनी ही पावर होगी एफआईए के सब इंस्पेक्टर के पास ठीक है जैसे तो मुख्तलिफ थाने होते हैं आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे थाने होंगे उनमें डेफिनेटली कोई ना कोई एसएचओ बैठा होगा तो उस एसएचओ के पास जितने इख्तियारत होते हैं उतने ही इख्तियारात होते हैं एफ आई ए के सब इंस्पेक्टर के पास और ये इखियारात उसे मिलते हैं सेक्शन फाइव की क्लॉज